मेरठ में कोरी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाने का चौंकाने वाला मामला सामने आया है। आरोपी युवक का नाम नीतू है और वो परीक्षितगढ़ का रहने वाला है। आरोप है कि नीतू कोरी जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी योजनाओं का फायदा उठा रहा था। इस संबंध में कुछ लोगों ने डीएम से लिखित शिकायत की थी, जिसके बाद मामले की जांच के लिए अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई थी। कमेटी ने अपनी जांच में शिकायत को सही पाया, जिसके बाद डीएम ने नीतू का जाति प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। नीतू ने खुद को कोरी जाति का बताकर अनुसूचित जाति का फर्जी प्रमाण पत्र बनवाया था, जिसकी शिकायत मिलने पर डीएम के बालाजी ने एडीएम प्रशासन, एसडीएम मवाना, तहसीलदार, प्रभारी अधिकारी प्रमाण पत्र और जिला समाज कल्याण अधिकारी की कमेटी गठित कर जांच के निर्देश दिए थे। कमेटी की जांच में शिकायत सही पाई गई, जिसकी रिपोर्ट के आधार पर डीएम ने नीतू का कोरी जाति का प्रमाण पत्र रद्द कर दिया। फर्जी प्रमाण पत्र के आधार पर नीतू ने जो भी पैसा और अन्य सुविधाएं ली हैं, उन्हें भी जल्द वापस लिया जाएगा।